गृह मंत्री जी ने रिव्यू कमेटी मीटिंग के बाद कहा है कि जैसी जीरो टेरर प्लान जो है कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश पर पिछले 10 वर्षों में व्यापक एवं सफल अभियान और चलाया है, और ये अभियान एक मिशन मोड में चला है जिसमें आतंकवाद भी कम हुआ है, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है और आतंकवादियों का समूल नाश भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर की जनता के मन में विश्वास और विकास, ये उनके एजेंडे पर आया है। पहली बार बायकॉट राजनीति से जम्मू कश्मीर बाहर निकला है और लाखों लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया है। देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की है और बायकॉट की राजनीति को, अलगवाद की राजनीति को तिलांजलि देकर बाय बाय कहा है। पाकिस्तान का राग गाने वाले, जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने वाले परिवार अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार के युवराज व युवरानी को जनता ने करारी हार दी है। शांति व विकास पर, विश्वास पर, लोकतंत्र की बहाली पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। इससे घबराकर हताशा और निराशा में कुंठित मानसिकता से पाकिस्तान नए नए षड्यंत्र रच रहा है। वो हारी हुई बाजी षड्यंत्र कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के कमांड में जो नया षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा है उसको भी हम पूरी तरह निष्फल करेंगे। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हैं, भारत के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री जी ने रिव्यू कमेटी मीटिंग के बाद कहा है कि जैसी जीरो टेरर प्लान जो है कश्मीर में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश पर पिछले 10 वर्षों में व्यापक एवं सफल अभियान और चलाया है, और ये अभियान एक मिशन मोड में चला है जिसमें आतंकवाद भी कम हुआ है, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है और आतंकवादियों का समूल नाश भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर की जनता के मन में विश्वास और विकास, ये उनके एजेंडे पर आया है। पहली बार बायकॉट राजनीति से जम्मू कश्मीर बाहर निकला है और लाखों लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया है। देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की है और बायकॉट की राजनीति को, अलगवाद की राजनीति को तिलांजलि देकर बाय बाय कहा है। पाकिस्तान का राग गाने वाले, जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने वाले परिवार अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार के युवराज व युवरानी को जनता ने करारी हार दी है। शांति व विकास पर, विश्वास पर, लोकतंत्र की बहाली पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। इससे घबराकर हताशा और निराशा में कुंठित मानसिकता से पाकिस्तान नए नए षड्यंत्र रच रहा है। वो हारी हुई बाजी षड्यंत्र कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के कमांड में जो नया षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा है उसको भी हम पूरी तरह निष्फल करेंगे। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हैं, भारत के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।